नाइन वन क्लास से क्लास वाले नमस्ते बच्चों, आप और अभिभावक का हार्दिक स्वागत है। थोड़ी आकृति बनाना बाकी था, आकृति बना दिया दूसरे एग्जांपल में कि कौन एक्स बराबर 62, एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड वाई बराबर 54, ओ वाई और ओ जेड ए एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई तीनों का योग 180, एक्स वाई जेड बराबर 54, वाई एक्स जेड अथवा जेड एक्स वाई बराबर 62, तो दोनों का योग का 64 आपका हम 180 में से घटाव करेंगे तो 64 वाई जेड एक्स आएगा। वाई ओ और जेड ओ आप क्या करना है, ओ वाई ये कौन एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, એટલે ઓ વાય ઝેડ બરાબર વન હાફ એક્સ ઝેડ એક્સ વાય ઝેડ ઇધર નીચે આઈએ આપ દેખો ઓ વાય ઝેડ એ એક્સ વાય ઝેડ કા સમદ્વિભાજક એક્સ વાય ઝેડ કા માન હૈ 54 ઇસકો આપ દો સે ભાગ કરેંગે તો વાય ઓ ઝેડ બરાબર 27 આધામાં ફિર ઓ ઝેડ વાય ओ जेड वाई एक्स जेड वाई बराबर 62 तो इसको दो से भाग करेंगे तो ओ जेड वाई बराबर 31। अभी ओ वाई जेड में ओ वाई जेड ओ वाई तीनों का योग 180, वाई ओ जेड बराबर 27 प्लस 31 तो आपका इसमें घटाव करेंगे तो 122 वाई ओ जेड आ जाएगा। बराबर है, तो ये एग्जांपल भी आप बराबर कर लेना। इसके बाद आपकी रचना आती है, 90 का कोण बनाना है और रचना लिखना है। तो सबसे पहले ओए आपको जितना योग्य लगे वहाँ का माप लेकर 5 का 7 का 8 का सेमी का वो एक किरण बनाया, वो ए बराबर मानो के 8 हो तो योग्य माप लेके वो केंद्र से योग्य माप का अर्धवृत्त बनाइए। ये अर्धवृत्त वो और नीचे जो काटा हुआ है वो ए पर वो केंद्र लेकर सी चाप लगाइए, सी को केंद्र लेकर बी चाप लगाइए, बी और सी बी को केंद्र लेकर एक ऊपर चाप लगाओ, सी को केंद्र लेकर एक ऊपर चाप लगाओ। ये चाप जहाँ काटे उसे सीधी रेखा वो केंद्र में से गुजरती है, वो केंद्र में तो आपका ए ओ वाई आपका देखो ए ओ एफ आपका 90 डिग्री बनेगा। रचना का मुद्दा कैसे लिखना, किरण ओए खींचिए, आपको 7 सेमी 8 सेमी जितने माप का किरण ओए खींचिए, ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त अर्धचाप ये चाप खींचिए, ओए को बी पर काटती है उतना ही माप का अर्धवृत्त का दो चाप, पहले बी केंद्र लेकर एक चाप और सी केंद्र लेकर एक चाप अर्धवृत्त का दो चाप ठीक है। एफ ओ मिलाइए, एफ ओ मिलाइए सीधी रेखा दे रही है और आपका एफ ओ ए 90 का हो जाएगा। अभी आपका दूसरी एक रचना है, त्रिभुज बीबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर सात कोण बी बराबर 75 और ए बी प्लस ए सी बराबर 13। तो सबसे पहले बराबर ध्यान रखना, पहले बी एक्स किरण लगाइए
इसके ऊपर 60 सेमी का चाप लगाया तो BC बराबर 7, बी को केंद्र लेकर एक अर्धवृत्त चाप लिखिए। इसके ऊपर नीचे जो ये मेरे बिंदु दिखा रहा है वहाँ से केंद्र लेकर एक चाप लगाओ, दूसरा एक चाप लगाओ, तो उससे आपका क्या होगा 60 का और 90 का, 60 का और 120 का, इसको केंद्र लेकर एक चाप, दूसरा एक चाप लगा 90 का होगा। अब ये 90 का केंद्र ये लाइन और ये 60 का लाइन, इसमें से चाप लगाइए, इसके ऊपर से चाप लगाइए, तो आपका 60 और 90 में 30 का फर्क है, तो उसका द्विभाजक करेंगे तो 15 आएगा, तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 आएगा, बराबर है। तो आपका जो ये जो ए वाई है इसके ऊपर 13 सेमी का माप लेके का चाप लगा जाता है, डी आएगा, बीडी तेरह सेमी, इसका सम डिवाइड करो, बी केंद्र लेकर आधा से ज़्यादा माप का चाप लगाइए, उतना ही ऊपर नीचे चाप लगाओ, उतना ही ऊपर वाई केंद्र डी केंद्र लेकर दूसरा एक चाप लगाइए, ये सीधी रेखा ढूंढे तो बीडी पर जहाँ काटे वहाँ ए नाम दीजिए, बराबर है। डीसी ये डीसी जोड़ना है, डीसी का सम डिवाइजक करना है, ए का नहीं, इधर जो है ना मैं लाइन दिखा रहा हूँ, तो डीसी जोड़ना, डीसी का सम, डी को कहने आधा ज़्यादा एक चाप लगाइए, सी को कहने एक आधा चाप लगाइए, आपका जहाँ बीडी पर जहाँ मिलेंगे वहाँ ये नाम दीजिए, ऐसे मिलाइए, तो आपका जो त्रिभुज है ये ए बी सी अभी त्रिभुज है। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल और दोनों रचनाएं बराबर परफेक्ट कर लेना, याद कर लेना। थैंक यू।